दोस्तों फिलहाल अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, अगर किसी फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा माहौल गर्म है, तो वो है ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर। क्योंकि अपने वीकेंड पर एक शानदार कलेक्शन करने के बाद अपने वीकेंड से बाहर निकल के ये फिल्म अब अपने पांचवें दिन में आ चुकी है। और दोस्तों यकीन मानिए, आज फिल्म का पांचवा दिन भी शानदार रहा और फिल्म ने हर जगह पर, दिल्ली चाहे मुंबई चाहे बेंगलुरु चाहे हैदराबाद, हर जगह पर अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी आज दर्ज कर रखी है। तो दोस्तों फिलहाल फाइटर फिल्म ने आज सिनेमाघरों में 5 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अपने पहले 4 दिनों में फिल्म फाइटर ऑफिशियली इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और आज अपने पांचवें दिन यह फिल्म क्या करने वाली है, यानी कि कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहा है, कितने परसेंट की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास कितने शोज है, कितने हाउसफुल है, कितने खाली है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर आप ऋतिक रोशन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म फाइटर की, तो ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर स्टार फिल्म, इस फिल्म का फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था। और इंतजार कुछ इस वजह से भी था क्योंकि ऋतिक रोशन साल 2022 में विक्रम वेधा लेके आए थे और उसके बाद इनकी कोई फिल्म आई नहीं थी। और अब फाइटर फिल्म का जब इंतजार खत्म हुआ है, तो कुछ इस तरह खत्म हुआ है कि फिल्म ने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म के रिलीज होने से पहले फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा कम थी, फिल्म को लेकर उतना हमें देखने को नहीं मिल रहा था, और यही वजह थी कि फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर भी कम कलेक्शन किया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले से कहा है कि कोई फिल्म बढ़िया होती है, किसी फिल्म का कंटेंट अच्छा होता है, दर्शकों को वो फिल्म पसंद आती है, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि उस फिल्म को रोक सके। और फाइटर फिल्म ने वही करके दिखाया है। जब फिल्म को तारीफें मिली, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जो भी दर्शक फिल्म को देखकर थिएटर से निकल रहा था वो फिल्म की तारीफें करते करते नहीं थक रहा था। और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब क्रिटिक्स ने भी फिल्म को 4.5 स्टार दे दिए। तो दोस्तों फिलहाल फाइटर फिल्म के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताऊं कि फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था और उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं फाइटर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी, और ठीक वैसा हुआ भी। आपको बताता चलूं मैं कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसका बजट 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, और फिल्म को इंडिया के अंदर लगभग 4200 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। ओवरसीज से भी फिल्म को 1800 स्क्रीनें मिली थी और कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में ये फिल्म 6000 स्क्रीनों पर रिलीज हुई थी। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि अब देखने वाली बात यह है कि यहां पर आज मंडे का दिन था, पूरी तरह से वर्किंग डे था, तो आज फिल्म का क्या हाल रहा, तो चलिए देखते हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आज जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 10% की थी, उसके बाद आफ्टरनून में 12% की और इवनिंग में 18% की ऑक्यूपेंसी रही। तो यानी कि उम्मीद है कि नाइट के शोज जो रहेंगे वो ज्यादातर खाली रहेंगे, क्योंकि फिल्म के पास अच्छे खासे शोज है, 815 शोज है दिल्ली एनसीआर के अंदर। लेकिन दोस्तों इसमें से बहुत कम शोज ऐसे हैं जो हाउसफुल रहने वाले हैं, क्योंकि आज पूरी तरह से वर्किंग डे था। लेकिन अगर मैं मुंबई की बात करूं, तो यहां पे मॉर्निंग की जो ऑक्यूपेंसी थी वो 9% की थी, आफ्टरनून की 13% की, उसके बाद अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो तकरीबन 17% की ऑक्यूपेंसी थी। अब नाइट में जो ऑक्यूपेंसी रहेगी वो रहेगी लगभग 25 से 26% की। फिल्म के पास 618 शोज है मुंबई के अंदर भी। पुणे की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 8% की थी और आफ्टरनून में 9% की और उसके बाद 12% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी रही। तो यानी कि नाइट की जो ऑक्यूपेंसी रहेगी वो 15 से 16% की यहां पे रहने वाली है। बेंगलुरु में जो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी वो 9% की थी, आफ्टरनून की 11% की, और वैसे देखा जाए तो हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, लखनऊ, सभी जगहों पर इसी तरह का हाल चल रहा है। तो फिलहाल बात करूंगा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो सबसे पहले जान लेते हैं फिल्म का 4 दिनों का ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि फिल्म फाइटर ने अपने पहले दिन जहां 24 करोड़ 60 लाख रुपए की पूरे इंडिया से नेट ओपनिंग की थी, तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 37 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। तो अगर आप ओपनिंग देखें तो यहां पे आप एक एवरेज ओपनिंग कह सकते हैं, यानी कि फाइटर फिल्म जितनी बड़ी फिल्म थी उतनी बड़ी इस फिल्म ने ओपनिंग नहीं ली थी। हालांकि उम्मीद थी कि फिल्म कम से कम 40 करोड़ रुपए तक की ओपनिंग लेगी, लेकिन जैसे ही फिल्म को तारीफें मिलनी शुरू हुई उसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन से धमाल मचाना शुरू कर दिया। तो फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन रहा था वो 41 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा था और फिल्म ने सबसे बड़ा जंप मारा था अगर देखा जाए।
और तीसरे दिन सैटरडे को फिल्म ने 27 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे, और चौथे दिन संडे को जो फिल्म का कलेक्शन रहा था वो 30 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा था, और चार दिनों में फिल्म फाइटर 123 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर चुकी थी। जहां दोस्तों ऑफिशियली रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, याद रहे, चार दिनों में फिल्म फाइटर 123 करोड़ 60 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी। वही फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 146 करोड़ रुपए हो चुका था। ओवरसीज फिल्म ने कमा लिए थे 55 करोड़ रुपए, जो दोस्तों 55 करोड़ ये फिल्म चार दिनों में ऑफिशियली कर चुकी है। तो फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है चार दिनों में वो 201 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। आपको याद रहे कि चार दिनों में 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है फिल्म फाइटर। अब आता है पांचवा दिन, तो पूरी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है, ज्यादातर शोज खाली हैं, तो फिल्म की जो आज कमाई है पांचवे दिन की वो लगभग 8 करोड़ रुपए रहने वाली, 8 से 9 करोड़ रुपए की। तो फिल्म की जो कमाई है पांच दिनों की वो 131 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वही फिल्म पूरे वर्ल्ड में लगभग 215 करोड़ रुपए तक पहुंच रही है, और वैसे मैं कहूंगा कि ठीक ठाक कलेक्शन अभी चल रहा है, क्योंकि अगर ये हफ्ता फिल्म ने पूरी तरह से ऐसे ही खींच दिया यानी कि 8 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ में, तो मुझे लगता है कि जो आने वाला सैटरडे और जो आने वाला संडे रहेगा वो बेस्ट रहेगा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कैसे लगी थी फिल्म फाइटर कमेंट में जरूर बताइएगा।